तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टेरिटोरियल आर्मी और रेगुलर आर्मी में क्या क्या अंतर होते हैं, छुट्टी से लेकर उनके प्रमोशन और ट्रेनिंग से लेकर उनके सिलेक्शन प्रोसेस तक मैं आपके लिए आज एक एक चीज क्लियर करने वाला हूं। तो दोस्तों मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने के लिए मैंने जो डिटेल बना के रखी हुई है उसको एक स्लाइड में बना के रखा हुआ है, तो स्लाइड को मैं ओपन कर लेता हूँ। टीए आर्मी और रेगुलर आर्मी में क्या क्या अंतर हैं आज समझ लो, बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा आपके लिए। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्वाइन एज एन सोल्जर, यहाँ पर हम दोस्तों सोल्जर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिसर्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आपको ऑफिसर्स के बाद में भी चाहिए पूरी डिटेल तो आप कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी के ऑफिसर्स के क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस होता है पूरी जानकारी आपके लिए दे देंगे, ठीक है। तो एक तरफ मैंने कैटेगरी लिख के रखी हुई है, मतलब क्या क्या अंतर है, और रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी, ठीक है। तो सबसे बड़ा अंतर दोस्तों जो यहाँ पर होता है उसको मैंने नंबर वन पे लगाया है, एज। जो एज होती है यहाँ पर जीडी सोल्जर के लिए और आप टेक्निकल क्लर्क किसी का भी ले लें, यहाँ पर जो रेगुलर आर्मी की जो एज होती है दोस्तों 17.6 महीने, मतलब 17.5 साल से 21 साल तक जीडी सोल्जर के लिए और 17.5 से 23 साल तक क्लर्क और टेक्निकल के लिए एज लिमिट होती है रेगुलर आर्मी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सबसे बड़ा अंतर है टेरिटोरियल आर्मी और रेगुलर आर्मी के बीच में वो है एज का, ठीक है। तो यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी में यानी कि टीए आर्मी में जो एज लिमिट होती है वो 18 साल से 42 साल तक होती है ऑल कैटेगरीज, मतलब आप किसी भी कैटेगरी की भर्ती देख रहे हैं, चाहे आप ऑफिसर, सोल्जर, क्लर्क, स्टोर कीपर, टेक्निकल, आप किसी की भी भर्ती देख रहे हैं यहाँ पर आपके लिए 18 से 42 साल तक आपकी जो है वो एज ली जाएगी। उसके बाद में सेकेंड जो बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों दोनों आर्मी में वो है हाइट का। यहाँ पर आपको पता है नॉर्मल एरिया में, मतलब कुछ स्पेशल एरियाज होते हैं जहाँ पर हाइट कम भी ली जाती है, लेकिन दोस्तों नॉर्मल एरियाज में जहाँ पर सोल्जर जीडी के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर ली जाती है रेगुलर आर्मी में, ठीक है, वहाँ पर दोस्तों 160 से 62 सेंटीमीटर लिया जाता है ऑल कैटेगरीज में टेरिटोरियल आर्मी में। तो ये भी एक बहुत बड़ा अंतर है, रेगुलर आर्मी में 170 सेंटीमीटर और यहाँ पर जो टीए आर्मी है उसमें 160 सेंटीमीटर हाइट ली जाती है। उसके बाद में दोस्तों कुछ चीज़ें यहाँ पर सेम भी हैं, उनको भी मैंने आपको डाल के रखा हुआ है जिससे आपके लिए कोई भी डाउट ना रहे। तो चेस्ट की बात करें तो चेस्ट दोस्तों 77 से 82 सेंटीमीटर दोनों में ही लिया जाता है, चाहे रेगुलर आर्मी हो या टीए आर्मी हो, दोनों में चेस्ट सेम लिया जाता है 77 से 82 सेंटीमीटर। और यहाँ पर दोस्तों 5 सेंटीमीटर का दोनों में ही एक्सपेंशन होता है, ठीक है, मतलब आपके लिए सीने में सांस भर के फुलाना होता है सीने के लिए 5 सेंटीमीटर। वेट की बात करें दोस्तों तो वैसे तो वेट दोनों में सेम ही है, लेकिन भारत के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर 48 kgs भी वेट लिया जाता है। वैसे नॉर्मल एरियाज में दोस्तों दोनों ही भर्तियों में, दोनों ही आर्मियों में 50 kg ही वेट लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी दोस्तों कोई अंतर नहीं है यहाँ पर, हम यहाँ पर आप गौर करिएगा केवल जीडी की सोल्जर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लर्क्स के लिए कुछ परसेंटेज और एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोनों में अलग है, लेकिन वो भी दोनों में ही सेम है। तो यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो जीडी सोल्जर के लिए 10th पास है विद 45% मार्क्स, और टेरिटोरियल आर्मी में भी 10th पास विद 45% मार्क्स ही है, और दोनों ही आर्मी में सिंगल सब्जेक्ट में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में 33% मार्क्स से कम नहीं होना चाहिए और ओवरऑल 45% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, यहाँ पर दोस्तों जो रेगुलर आर्मी में रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है वो ARO, ZRO और रिलेशन भर्ती जिसको बोलते हैं रेजिमेंटल हेडक्वार्टर, ये RHQ मैंने लिखा है, इसका मतलब है रेजिमेंटल हेडक्वार्टर, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो रेगुलर आर्मी में भर्ती होती है वो ARO 22, ZRO 22 और रेजिमेंटल सेंटर की भर्ती होती है, उसके
बाद में दोस्तों जो टेरिटोरियल आर्मी में भर्ती होती है मतलब टीए में भर्ती होती है वो होती है जोन 22। तो यहाँ पर आपने देखा भी होगा, अगर कभी टीए की भर्ती देखी है आपने, तो यहाँ पर जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4 ऐसे कई जोन बना दिए गए हैं, जिनमें एक एक जोन में कुछ कुछ स्टेट भारत के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये भी अंतर हो गया रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर क्या है, कई स्टेट की भर्ती एक साथ होती है और यहाँ पर एक स्टेट की भर्ती कई भागों में होती है। तो जिससे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कंपटीशन जो है वो टेरिटोरियल आर्मी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए जोन 2 की भर्ती है, अब जोन 2 में बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, मध्य प्रदेश, 5 स्टेट की है भर्ती। तो यहाँ पर दोस्तों एक ही दिन GD की भर्ती देखने के लिए 5 स्टेट के लड़के पहुँचेंगे। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर आपकी रेगुलर आर्मी में ARO 22 भर्ती हो रही है, तो आपको पता है एक साथ 4 से 5 जिले ही लिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में टीए में बहुत ज़्यादा हार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, दूसरे स्लाइड पर चलते हैं हम, सैलरी। तो सैलरी की बात करें दोस्तों, जो आज के 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में जो एक नया सिपाही होता है उसकी जो सैलरी होती है वो अप्रोक्स अलाउंसेस मिला के 40,000 रुपये पर मंथ पहुँच जाती है। ठीक है, उसके बाद में डिपेंड अपॉन एरिया ऑफ पोस्टिंग, उसके बाद में दोस्तों सैलरी इसमें इंक्रीज भी हो सकती है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि किसी नए सिपाही की सैलरी 60,000 भी पहुंच जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर वो ग्लेशियर में पोस्टिंग है, तो अगर वो ग्लेशियर में पोस्टिंग है तो उसके लिए अलाउंसेस मिलेंगे करीब 25 से 30,000 ग्लेशियर के अलाउंस है, तो उसकी सैलरी क्या है 60 से 65,000 रुपये पर मंथ भी पहुँच जाती है। लेकिन नॉर्मल एरिया की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो अगर वो नॉर्मल एरिया यानी कि पीस एरिया में सर्विस कर रहा है तो उसकी जो सैलरी होगी वो करीब 40,000 तक पहुँच जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों टीए आर्मी की भी जो है सैलरी में कोई अंतर नहीं है, एज पर सेम एज रेगुलर आर्मी की तरह ही इनको सैलरी मिलती है। तो सैलरी में दोनों आर्मी में कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मेडिकल फैसिलिटी की। यहाँ पर जो हम बोलते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल, मतलब MH की जो फैसिलिटी होती है वो दोनों ही आर्मी के लिए, रेगुलर आर्मी और टीए आर्मी के लिए, दोनों के लिए ही सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। उसके बाद में आता है CHD कैंटीन फैसिलिटी। तो CHD के बारे में आपने सुना होगा कि CHD में आर्मी में कैंटीन होती हैं, उनके लिक्विड कार्ड और ग्रोसरी कार्ड होते हैं, जिसमें क्या होता है उनके लिए काफ़ी सस्ते दामों पे एक अच्छी चीज़ मिल जाती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो CHD कैंटीन की फैसिलिटी होती है वो दोनों ही आर्मी के लिए सेम है, यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं है। मतलब चाहे आप TA में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप रेगुलर आर्मी में जॉब कर रहे हैं, आपके लिए क्या होगा, दोनों ही आर्मी के लिए आपके लिए दोनों के दोनों कार्ड मिलेंगे और आप CHD में जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों एक जो अंतर है, एक बहुत बड़ा अंतर इसको हम कह सकते हैं, एरिया ऑफ पोस्टिंग, मतलब आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ पर होती है। तो जो रेगुलर आर्मी है इनकी ऑल इंडिया और UN मिशन, तो ऑल इंडिया से तो आप समझ ही गए होंगे कि पूरे भारत में इनकी पोस्टिंग हो सकती है, और UN मिशन को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, यूनाइटेड नेशन मिशन। तो दोस्तों इसको क्या होती है कि जैसे कोई ऐसा देश है, जैसे कि खास करके अफ्रीकन देश होते हैं जहाँ पर टेररिस्ट बहुत ज़्यादा है, उनकी फौज से हालात संभाले नहीं जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं UN से कॉन्टैक्ट करते हैं, जिससे क्या होता है कि UN पूरी दुनिया की जो अच्छी अच्छी आर्मी होती है उनके लिए उस देश में भेजती है। तो यहाँ पर रेगुलर आर्मी और TA आर्मी में ये अंतर है कि रेगुलर आर्मी के जो जवान होते हैं वो दूसरे देशों में भी पोस्टिंग जाते हैं। ठीक है, मतलब वो दुनिया के दूसरे देशों में भी पोस्टिंग जाते हैं, जैसे कि सूडान है, अफ्रीका के बहुत सारे देश हैं जहाँ पर हमारी आर्मी के जवान इस समय पोस्टेड हैं। हर साल यूनिट जाती हैं, हर साल यूनिट वापस आती हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि लेकिन जैसे कि इंडिया में यहाँ पर जो यूनिट का टेनर होता है वो 3 साल का होता है, लेकिन जो UN मिशन पर यूनिट जाती है वो ओनली 1 ईयर के लिए जाती है, मतलब 1 साल तक जाएगी किसी देश में, दूसरे देश में, और 1 साल वहाँ से वो यूनिट वापस आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों जो UN मिशन के लिए जो भी यूनिट या फिर जो भी बंदे जाते हैं आर्मी के, उनके लिए डबल सैलरी मिलती है। मतलब वो जो इंडिया में उनकी जो सैलरी है आज की डेट में वो तो उनको मिलेगी ही, उसके ऊपर उनके लिए जो यूनाइटेड नेशन की तरफ से जो सैलरी दी जाती है करीब 1 से 1.5 लाख रुपये पर मंथ होती है, वो सैलरी उनको एक्स्ट्रा मिलती है। मतलब उनके लिए उस 1 साल के पीरियड में डबल सैलरी मिलती है, इंडिया की सैलरी अलग और UN की सैलरी अलग। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं TA आर्मी के। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंट है, ये TA आर्मी की जो पोस्टिंग होती है वो ओनली इन इंडिया होती है, इनकी पोस्टिंग इंडिया से बाहर नहीं होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक और भी डिफरेंट है वो ये भी है कि दोस्तों जो प्रमोशन में अंतर होता है, ठीक है, यहाँ पर जो इनकी पदोन्नति होती है, रेगुलर आर्मी में दोस्तों
अप टू जनरल तक, मतलब आपने देखा होगा इसमें हमारे जनरल जनरल मनोज मुकुंद नरवाने हैं, वो एक रेगुलर आर्मी से हैं, ठीक है, सिखलाई से बिलोंग करते हैं, वो सिखलाई रेजिमेंट के हैं वो। तो यहाँ पर दोस्तों जो रेगुलर आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो प्रमोशन होता है वो जनरल तक होता है, मतलब एक वो लेफ्टिनेंट से आकर और जनरल तक बन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिफरेंट दोस्तों टी ए आर्मी में है कि टी ए आर्मी के जो ऑफिसर्स होते हैं जिन्होंने टी ए आर्मी में कमीशन ली है उनका जो प्रमोशन होता है वो केवल ब्रिगेडियर लेवल तक होता है। ब्रिगेडियर के बाद में वो उनका आगे प्रमोशन मेजर जनरल के लिए नहीं होता है, वो उसके बाद में रिटायर हो जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो दोस्तों वीडियो में अभी बहुत कुछ बताने के लिए आपकी बाकी बचा हुआ है, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है। आगे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए शायद नहीं पता होंगी जो मैं आपके लिए इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि यार एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी यहाँ पर हम बात कर लेते हैं दोस्तों लीव की, ठीक है, छुट्टी दोनों आर्मी में कितनी अंतर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों छुट्टी की बात करें तो छुट्टी में यहाँ पर कोई भी अंतर नहीं होता है, रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी में सेम छुट्टी होती है, मतलब जो लीव मिलती है चाहे वो रेगुलर आर्मी का सोल्जर हो चाहे वो टेरिटोरियल आर्मी का सोल्जर हो, दोनों के लिए जो लीव मिलती है छुट्टी मिलती है वो एकदम बराबर मिलती है। तो कितनी छुट्टी मिलती है अभी ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों आर्मी में जो छुट्टी होती है एक साल के अंदर 90 दिन की छुट्टी एक सोल्जर के लिए दी जाती है, जिसमें 60 दिन की एनुअल लीव और 30 दिन की उनकी कैजुअल लीव यानी कि मेडिकल लीव होती है, ठीक है। इसी तरह से सेम एज रेगुलर आर्मी, इसका मतलब दोस्तों जो छुट्टी रेगुलर आर्मी के जवानों को मिलती है वही छुट्टी उतने ही दिनों की छुट्टी टीए आर्मी के जवानों को दी जाती है। उसके बाद में दोस्तों एक वीडियो मैंने और बनाई थी जिसमें काफ़ी सारे कमेंट्स आए थे कि सर जो टीए आर्मी की जो ट्रेनिंग होती है वो कहाँ पर होती है, क्या इनका अलग से सेंटर होता है। कुछ ने तो ये भी कहा था कमेंट में कि इनकी जो ट्रेनिंग होती है वो पुलिस कराती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो इनके अलग से रेजिमेंटल सेंटर होते हैं और ना ही टीए आर्मी के लिए पुलिस ट्रेनिंग देती है, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता कि आर्मी के लिए पुलिस ट्रेनिंग दे। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपकी एक जो डाउट है बिल्कुल क्लियर कर देने वाला हूँ। जैसे कि आपने सुना होगा कि इन्फेंट्री में क्या होता है, टीए की बटालियंस होती हैं, मतलब एक रेजिमेंटल सेंटर में इन्फेंट्री के 20 से 25 यूनिट्स होती हैं, उसमें दो या एक, नॉर्मल दो ही होती हैं, एक किसी में नहीं होती है, उसमें दो टीए की बटालियन होती हैं, ठीक है। तो इनको मिला के बनता है एक रेजिमेंट, और इनके जो रिक्रूट्स होते हैं इनकी जो ट्रेनिंग होती है चाहे वो टीए का रिक्रूट हो चाहे वो रेगुलर आर्मी का रिक्रूट हो, इन दोनों की जो ट्रेनिंग होती है वो इनके रेजिमेंटल सेंटर में ही होती है। जैसे दोस्तों राजरिफ हो गया, राजपूत हो गया, बिहार रेजिमेंट हो गया, पंजाब रेजिमेंट हो गया, सिखलाई रेजिमेंट हो गया, सिख रेजिमेंट हो गया, ठीक है, इन सबकी टीए की जो है वो बटालियंस हैं, और इनके टीए के जो रिक्रूट्स आते हैं उनकी ट्रेनिंग इनके रिस्पेक्टिव रेजिमेंटल सेंटर में ही कराई जाती है। तो जो ट्रेनिंग होती है वो रेजिमेंटल सेंटर में ही होती है। सीधे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि टीए आर्मी और रेगुलर आर्मी की ट्रेनिंग, इनके रिक्रूट्स की जो ट्रेनिंग होती है वो एक साथ होती है, ठीक है, ये एक साथ एक जैसी ट्रेनिंग पाते हैं, इनमें कोई भी अंतर नहीं होता है। उसके बाद में दोस्तों टाइप ऑफ जॉब, रेगुलर और रेगुलर, यहाँ पर मैंने टाइप ऑफ जॉब का ये कॉलम इसलिए डाला है कि दोस्तों पहले जो टीए आर्मी की जो जॉब होती थी वो टेम्परेरी बेसिस पे होती थी, मतलब इनके लिए 6 महीने तक लगातार जॉब मिलती थी, पैसे मिलते थे, उसके बाद में इनको 6 महीने के लिए घर भेज दिया जाता था, तो इनको जो सैलरी मिलती थी वो भी केवल 6 महीने की ही मिलती थी। लेकिन आजकल ऐसा कुछ नहीं है, बहुत साले हो गए टीए आर्मी को रेगुलर आर्मी हुए, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों अब जो टाइप ऑफ जॉब है वो परमानेंट है, मतलब जो रेगुलर आर्मी और टीए आर्मी में जॉब में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही परमानेंट है, दोनों ही आर्मी के जो सोल्जर्स होते हैं उनके लिए पेंशन भी दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों हम चलते हैं यहाँ के फिजिकल पे। तो जो फिजिकल है दोस्तों उसमें यहाँ पर अंतर कुछ नहीं है, लेकिन जो अंतर अगर आप देखें तो रेगुलर आर्मी और टेरिटोरियल आर्मी में फिजिकल में कोई भी अंतर नहीं है। मैं क्लियर शब्दों में एक बार फिर कह देता हूँ कि टीए आर्मी और रेगुलर आर्मी के फिजिकल में कोई भी अंतर नहीं है, लेकिन एक जो अंतर है वो मैं आपके लिए बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर रनिंग है, सबसे पहले 1600 मीटर की रनिंग दोनों ही आर्मी में होती है भर्ती के लिए, और टाइम भी
दोनों का सेम ही होता है। 5 मिनट 30 सेकेंड में अगर आप पास करते हैं 1600 मीटर की रनिंग तो आपको 60 मार्क्स मिलते हैं, और 5 मिनट 31 सेकेंड से आप दोनों ही आर्मी में अगर 5 मिनट 45 सेकेंड तक पास करते हैं 1600 मीटर की रनिंग तो आपको 48 मार्क्स मिलते हैं। सेम एज टेरिटोरियल आर्मी में भी यही लागू है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर रनिंग में जो एक बहुत बड़ा अंतर होता है वो मैं आपके लिए बताना चाहता हूँ। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे कि मैं इस वीडियो में पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो रेगुलर आर्मी की भर्ती होती है ARO, ZRO और रिलेशन भर्ती होती है। TA आर्मी की जो भर्ती होती है वो जोन वाइज होती है, एक एक जोन में 4 से 5 स्टेट होते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मान लिया फॉर एग्जाम्पल 10 फरवरी 2020 के लिए TA आर्मी की जोन 2 की भर्ती थी। अब उसमें जोन 2 में 5 स्टेट हैं, तो 5ों स्टेट्स के लड़के जाएंगे वहाँ पर, एक से एक अच्छे लड़के जाएंगे और बहुत सारी भीड़ भी जाएगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो रनिंग में कंपटीशन होता है वो रेगुलर आर्मी की अपेक्षा TA आर्मी में बहुत ज़्यादा होता है। दूसरा एक बड़ा अंतर ये भी है दोस्तों कि यहाँ पर क्या है, एज लिमिट रेगुलर आर्मी में बहुत कम होती है, ठीक है। तो जो लड़के रेगुलर आर्मी में ओवर एज हो जाते हैं, किसी वजह से भर्ती नहीं हो पाते हैं, वो लड़के भी TA आर्मी में जाते हैं। तो यहाँ पर जो TA आर्मी की 18 से 42 साल तक एज ली जाती है, इसकी वजह से यहाँ पर जो रनिंग में इनका कंपटीशन होता है बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि यहाँ पर अगर 500 लड़के दौड़ते हैं एक साथ तो उसमें से केवल 1 या 2 या 3 ही लड़कियों के लिए पास किया जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हम पुलअप्स की। तो पुलअप्स दोस्तों अगर आप 10 पुलअप मारते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं, 9 पुलअप्स आप करते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं, 8 पुलअप्स आप करते हैं तो आपको 27 मार्क्स, 7 पुलअप मारेंगे आप तो आपको मिलेंगे 21 मार्क्स और 6 पुलअप्स आप मारेंगे तो आपको मिलेंगे 16 मार्क्स। यहाँ पर दोस्तों जो पासिंग होता है, पास के लिए केवल 6 पुलअप्स की ज़रूरत होती है। अगर आप 6 बीम से, मतलब यहाँ पर पुलअप्स की अगर आपके बात समझ में नहीं आई हो तो पुलअप्स बोलते हैं बीम के लिए, अगर आप 6 बीम भी मारेंगे तो आपके लिए पास कर दिया जाएगा, लेकिन आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो ओनली 16 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, आपकी जब मेरिट बनेगी तो आपके लिए मेरिट में नंबर लाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके मुझसे कमेंट में पूछें। और अगर सच्चे आप देशभक्त हैं और आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं, या आप आर्मी में भर्ती हो चुके हैं फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर करना, ठीक है। अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सको शेयर ज़रूर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे नहीं पता आप कैसे सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब का बटन, लाल बटन जो वीडियो के नीचे दिख रहा है उसको दबाना है, और साथ में जो घंटी का बटन है बेल आइकन उसको भी आपको दबा देना है। जिससे क्या होगा दोस्तों, मेरे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होगी उसकी जो नोटिफिकेशन होगी वो आप तक पहुंच जाएगी। तो दोस्तों मैं अपने चैनल पर इस तरह से वीडियो लेकर आता रहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट जॉब अपडेट, मतलब आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या फिर SSC GD, अर्धसैनिक बल, पुलिस, मतलब पूरी इंडिया में इस कैटेगरी में कहीं पर भी भर्ती निकलती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर उसकी अपडेट दी जाती है। साथ ही साथ दोस्तों एक बेनिफिट आपके लिए और भी है कि हमारे चैनल पे जॉब की नोटिफिकेशन के साथ साथ आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की वीडियोस भी मिलती रहती हैं, जिससे क्या होगा कि आपकी तैयारी भी साथ साथ चलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।